ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे पर सवाल का जवाब देने से राहुल गांधी भले ही बचकर निकल गए, लेकिन कांग्रेस के सामने सिंधिया के इस्तीफे से जो संकट उठ खड़ा हुआ है वह सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, उसकी गूंज राजस्थान, गुजरात से लेकर हरियाणा और पंजाब तक में सुनी जा रही है। हर कहीं की एक ही कहानी है कि कांग्रेस का नेतृत्व जानबूझकर जनाधार वाले ताकतवर युवा नेताओं की उपेक्षा कर रहा है। आखिर युवाओं के सामने भी उनका करियर है, जिसे वो कब तक गांधी वाड्रा परिवार की निष्ठा के नाम पर कुर्बान करते रहेंगे और कब तक चुनाव जीतकर कमलनाथ टाइप जनाधार विहीन नेताओं के हाथ में सत्ता की चाबी थमाते रहेंगे। सिंधिया ने जो किया वो रातों रात का फैसला नहीं है। सिंधिया के रिश्तेदार प्रभदेत देव बर्मन कहते हैं कि आलाकमान ने सिंधिया को महीनों से मिलने का वक्त नहीं दिया। इसे उपेक्षा नहीं तो और क्या कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी के पास सिंधिया जैसे नेता से मिलने के लिए वक्त नहीं है। सिंधिया के बागी होने के साथ ही 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी का तो दावा है ये संख्या 30 पहुंच सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस इस स्थिति तक कैसे पहुंची। दरअसल पार्टी सिंधिया की ताकत का अंदाजा लगाने में बुरी तरह से विफल रही। सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ये उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया का खेमा इतना मजबूत है कि सरकार पर खतरा बन सकता है। सिंधिया का रुख पिछले कई महीनों से बागी हो चला था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का विश्वास था कि वे ग्वालियर और गुना बेल्ट के 5 से अधिक विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी भरोसे के तहत कमलनाथ और दिग्विजय ने सिंधिया को वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं करते। गणित ये लगाया गया था कि सिंधिया पार्टी छोड़ भी देते तो भी वो सरकार नहीं गिरा पाएंगे, उसके साथ कुछ विधायक जाएंगे भी तो इसकी भरपाई बीजेपी के कुछ विधायकों को तोड़कर पूरी कर ली जाएगी जो कमलनाथ के संपर्क में हैं। हालांकि हकीकत पूरी तरह से अलग है। सिंधिया के साथ 20 से अधिक विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया। कांग्रेस नेतृत्व को इस बात का भी विश्वास था कि सिंधिया बागी रुख के साथ कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी छोड़कर बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन सिंधिया ने ऐसा सोचने वालों को गलत साबित कर दिया। पार्टी को होली के ही दिन असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। समस्या की शुरुआत दिसंबर 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की जीत के साथ हो गई थी। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को समर्थन दिया, सिंधिया दरकिनार कर दिए गए। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में भी हार के बाद सिंधिया बेचैन हो उठे। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा सीट और प्रदेश कांग्रेस पर अपना दावा किया। हालांकि इस बार भी उन्हें नाथ सिंह की जोड़ी ने निराश ही किया। पिछले सप्ताह पार्टी के कुछ विधायक गायब हुए तो इसे राज्यसभा सीट के लिए दावे के रूप में देखा गया। माना जाता है कि प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव भी सिंधिया का पत्ता साफ करने के लिए ही दिया गया। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद प्रदेश कांग्रेस को खुलकर खेलने का मौका मिला। पार्टी से पूरी तरह से दरकिनार किए जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हो चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।